हेलो भाई, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई ये देखो हम कहाँ हैं। हम लोग हैं अभी TVS के शोरूम के बाहर। तो भाई आज कोई TVS का प्रोडक्ट लेने वाले हैं और ये अपना शहर का हो गया NH 31, यानी बाढ़ शहर का। और छोटा सा ये डीलरशिप है यार, काफ़ी देर से आए हुए हैं, तो लाओ सोचे यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ तो लेने के लिए आए हैं, पहले यहाँ आ जाओ, सर्विस एरिया दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ दोस्तों, शोरूम के हिसाब से सही है, कुछ ऐसा सा भाई सर्विस एरिया, सॉरी सर्विस सेंटर एरिया है। और ये अपना हो गया शोरूम का इंटीरियर। ये रेहान भाई को देखिए, देसी बालक गावा के चश्मा लगाए हुए है। यही कुछ कुछ कलेक्शन है यहाँ, लिटिल लिटिल छोटा छोटा सा TVS का, मतलब TVS का है तो भाई TVS का ही रहेगा ना। इधर अपना जुपिटर एंड टॉर्क और अपाची भाई, सबसे ज़्यादा जो सेल है ना वो अपाची का ही है। एक गाड़ी यहाँ से निकली है अभी और वही गाड़ी भाई अपनी होने वाली है डिलीवरी। यानी ये बीच में एक इस जगह खड़ी थी कुछ, तो आप सेगमेंट समझ जाओ कौन सा होगा, चाहे बाइक का हो या फिर स्कूटी का हो। रेहान के लिए हम, रेहान कहाँ गया? ए रेहान आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। रेहान को आज गाड़ी दिलाने वाले हम लोग TVS का लूना XL 100। यही वाला ले लो, सामान लावे ले जाना चाहिए, अच्छा है। हाँ तो भाई यही गाड़ी हम लोगों ने फाइनल किया है, यही है भाई मिसिंग उस जगह से। तो कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी बताइए भाई। इसका जो पर्पस है ना वो फुलफिल कर देगा, सामान वामान लाना है। वैसे शोरूम का नाम देख लो, पुष्पक TVS। यहाँ पेमेंट का काम चल रहा है इस जगह। यहाँ का आपको सर्विस कैसा लग रहा है? घर भी लग रहा है, पूरा पसीना पूरा बह रहा है। भाई यहाँ ना एसी वैसी का सिस्टम है नहीं, समाया हुआ पाया हुआ घर में, तो मतलब कस्टमर सर्विस यार क्या उम्मीद करें। हालांकि मिलना चाहिए, पैसा दे देना। पटना से सिर्फ 1000 रुपया करीब महंगा पड़ रहा है, पटना जाते तो 1000 रुपया अपना बच जाता है। जो भी चीज़ दे रहा है आपको, प्राइस प्राइस सारा कुछ चीज़ बताएंगे कितना पड़ा। तो बस और क्या, पानी वानी कोई भाई कुछ नहीं उसने, यहाँ वेटर वेटर कोई नहीं है। एक फ़ायदा है यहाँ लोकल में डीलरशिप खोलने से, आपको स्टाफ कम रखना पड़ेगा। नॉर्मल आप स्टाफ रखोगे इसके जैसा भी तो काम कर देगा, ये बाइक सर्विस भी कर देगा और पानी भी पिला। तो रेहान भाई टाटा बाय बाय, जा रहे हैं अपना दुकान खोलने के लिए। ऐसा रही, ज्यादा दुकानदार को आपने नहीं देखा होगा। टाइम देखिए 1:45 हो गया है भाई। ऐसा बड़ा बड़ा दुकानदार देखा है 2 बजे दोपहर में दुकान खोलता हो? ये सिर्फ गुण है अपने रेहान भाई में, उसके अलावा किसी और में गुण नहीं। और यार अंदर में ना एकदम आग का जो होता है ना पोल्ट्री फार्म बॉयलर टाइप का वो चीज हो रहा है अंदर में पूरा। एसी वैसी तो 1-2 भी है नहीं, एक कूलर है सिर्फ। बहुत गर्मी लग रहा है यार, तो यहीं पर आकर के बैठ गए हैं। जो असल पेमेंट वाला आदमी है वो अपना अंदर साइड बैठे हुए हैं, वो पेमेंट का काम वहाँ कर रहे हैं। अरे दूसरा तरफ से पकड़ो ना, दूसरा तरफ से तुम दोगे तो लीजिए जी। ये हो रहा है गाड़ी की डिलीवरी, बड़ा वाला चाबी दिया गया है, पकड़ा उल्टा है, सब सही है उल्टा सीधा। ओ चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आप चलाइए इसमें 4 चक्का लगवा करके। इसमें 1 भी रुपया नहीं, चलिए ना इस पर ना कहा लेना है इस पर। ले मुदस्सिर छोड़ना, वो हो जाएगा। ले मुदस्सिर
चाचा बच्चों को दे दीजिए चाबियां। तो भाई रियल वाली जो डिलीवरी है वो ये रही फाइनली। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो निकलो सब अपना अपना गाड़ी से, बैठिए सब बनो अम्मा। तो चलो जी, यही था अपना ग्रैंड डिलीवरी। हालांकि ये जो गाड़ी लिए है ना वो सबन मम्मा लिए हैं अपने, यानी सबन मम्मा बोले तो कौन हो गए सबन मम्मा, वो जो स्कूटी के पीछे साइड बैठे हुए हैं वही है अपने सबन मम्मा। तो जी वो लोग तो चले गए अपने अपने गाड़ी पर बैठकर, अब मैं यहाँ अपने बाइक से निकल रहा हूँ घर, ताकि उसके ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो है ना माइलेज वाइलेज से रिलेटेड वो आपको अलग चैनल यानी मेन चैनल पर देखने को जाएगा मिल। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, अगले वीडियो तक भाई अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय।